चार मत से इस मुहिम में जो जो बात हमने कहा सारा चीज सही हुआ। हमने बोला छठा चरण से बीएड जाएगा गया, उस समय संख्या उनकी 22,000 थी, लेकिन 12,000 टीचरों को पीजीटी में 192 टीजीटी पीजीटी में ज्वाइन कराया गया। उसके बाद हमने कहा कि एनआईएस जाएगा, एनआईएस भी गया, जैसे एमजेसी खुलेगा वैसे छठा चरण से भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं कि पिंजरा में रखे हुए हैं बाघ के नाश्ता करने के लिए 10 को खरगोश रखे हुए हैं, उसको मैदान में नहीं छोड़ दिए हैं। जैसे पिंजरा खुलेगा इस डेट से लागू किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सारा चीज मैं आ रहा हूँ इस डेट से लागू 28 जून 2018, यानी कि 28 जून 2018 से जो ये बहाल होंगे उसके बाद वाले TRE1 पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? इसमें क्या है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला बीच में कोई चेंजेस नहीं होता है, उससे उठाए गए सारे कदम अमान्य माने जाएंगे। और आप देखे होंगे लगातार, एक सेकंड सर, पहले सुनिएगा तब ना, हाँ बोलिए, सुनते नहीं आप। 28 जून 2018 के बाद इसमें देखे होंगे बीएड का भी रिजल्ट आया था, बहुत सारे बीएड वाले ज्वाइन भी किए। आप देखे कि मुजफ्फरपुर में 478 लोग को बाहर किया गया, फिर अभी थंब वाला में प्रॉब्लम हो रही है। सरकार खुद बीएड वाला दिया है कि बीएड का वेरिफिकेशन हम किए हैं, रिजल्ट दिए हैं। देखिए आप एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, मैं आपको भी सर बताना चाहूंगा। ये जो देखिए ये TRE1 की जो वैकेंसी आई है, बीपीएससी TRE1 की जो बहालियां जो हुई है, ये जो है ये पुराने विज्ञप्ति के अनुसार ही हुई है। ये पुराने विज्ञप्ति में था 2000 बीएड को शामिल करना 1-5 में, ये 2018 के गजट को उठा के किया गया था, और 2018 के कदम गजट को उठाकर करने के बाद जितनी सारी इसके साथ कदम उठाए गए यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर जितनी, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट साहब से बात हुई है, वो जजमेंट आ जाएगी, वो कुछ देर में जजमेंट आ जाएगी शाम तक, वो भी अब देख लीजिएगा। तो उस दिन से लेकर इस चीज पर जितने सारे बहाली, जितने सारे नियमावली, जितने सारे कदम उठाए गए हैं, वो सारे कदम अमान्य माने जाएंगे। रिपिटिशन 661 में भी कहा गया था, 137 को लगाकर जब 661 का भगवान कृष्ण का जो आया था, उसमें भी जो रिपिटिशन लगा गया था उसमें लिखा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवर्टाइजमेंट है वो सारा चीज को इनवैलिड कर दिया गया। तो ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है, एक वो जज झूठ बोलेगा, दो वो जज झूठ बोलेगा, तीन वो जज झूठ नहीं बोलेगा, और ट्रिपल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को काटने का हिम्मत किसको है? देखिए अभी मैं भी किसको है बताया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो अभी सुनवाई आज हुई है, अभी रिसेंटली मैं भी बातें किया हूँ, सत्यम जी भी हैं, सत्यम जी कुछ ज्यादा जुड़े हुए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो भी है जजमेंट के से, और आगे बोल देते हैं मेरी बात याद रखिए, हुई है इस बहाली को TRE1 को जिस तरह से आप देखे होंगे, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, कौन थे वो? बराक ओबामा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से हारते हुए आए थे, अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। अच्छा, इस बहाली के लिए हम TRE में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि TRE का सपोर्ट हम कभी करवे नहीं किए। हमारी थी कि बिहार में लड़कों की नौकरी लगे, 10% बोलकर 40% तक लाया गया उत्तर प्रदेश वाले को, बिहार के बच्चों को नौकरी कहा हुआ है, नियोजित शिक्षकों को नौकरी हुआ है, 12,000 फिर तो चल ही गए हैं इसमें देखिए तो, बट भैया बहाली हुआ किसका है? तो हम लोग पहले भी कहते थे कि बिहार के गरीब अभ्यर्थियों के साथ जुड़कर हम लोग एक मुहिम चलाए, उन गरीबों को नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन नौकरी तो उत्तर प्रदेश की लगी है क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है, नौकरी तो लगी है नियोजित शिक्षकों क्योंकि राजकर्मी बनने के लिए लोग आंदोलन नहीं करे, तो आखिर बेरोजगार तो बेरोजगार रह गया, फिर बिहार में सब जगह नाम भी हो गया कि नौकरी बांटे नौकरी बांटे रह गया, फिर बिहार में सब जगह नाम भी हो गया कि नौकरी बांटे नौकरी बांटे हैं। तो TRE1 वाले आप बुरा मत मानिएगा, सुप्रीम कोर्ट में सत्यम केस नहीं किया था, खुद आप लोग जो कबर खोदे थे जितने सारे लोग, वो कबर में खुद फंस चुकी है और सरकार खुद निकाली थी, उस जाकर रिटिजमेंट में देख लीजिए कि बीएड को भी दिया है और डीएलएड को भी दिया है एक साथ, उसने उठाए गए कोई भी कदम है सारे को अमान्य घोषित किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है। और इसमें हम क्यों आप बोले कुछ लोग की आप बहुत खुश हो रहे होंगे, सत्यम तो जो कर झूठ बोला, अरे भैया झूठ बोलते हैं, एक दिन पड़ेगी आपके पास, सारा कदम उठाए गए अमान्य माने जाएंगे, जिस तरह से आपको लगता था पहले कल की खबर में थोड़ा सा बताना चाहूँ, परसों दो दिन पहले का TRE2 पे भी केस कर दिया गया है, TRE2 में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम के बाद जो भी भाषा की जो आहर्ता है वो तो मैं कह सकता हूँ कि TRE1 तो ये श्योर है कि आज की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट का, इससे अब खतरे में चला गया। भैया देखिए मैं कभी भी केस का सर सपोर्ट नहीं किया हूँ और ना ही केस के साथ खड़ा रहा, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, एक मिनट सर, सत्यम जी बीएड के जब सुनवाई होने ही वाला था तो हमने बताया था कि बीएड आउट हो रहा है, भैया आउट हो गया,
एनआईओएस को लेकर जब होने वाला था तो आपने बताया था, क्या बोल रहे हैं? तो लोग कह रहे थे कि बीकेसी आप कैसे बोल रहे हैं कि एनआईओएस को लेकर, एनआईओएस को क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार का आज की सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट से जो आया है जो निकल कर, ये है नहीं सत्यम भी नहीं थे, ये कोई और दूसरे लोगों का जजमेंट आया है। ये वही लोग गए थे, बीएड वाले ही गए थे कि अब हमें ये कंफर्म बताया जाए कि हम कब से योग्य है कब से नहीं योग्य है। अब लीजिए कहा दिया गया भैया कि अब 2018 से ही योग्य नहीं है, मतलब ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी लोग मारते जा रहा है जी। ये केस ना सत्यम, हम लोगों ने केस किया 2019 से लेकर 2023 तक, कोई केस का सपोर्ट हमने खुद नहीं किया, आंदोलन किया, और अभी भी मैं गर्दनी बांध के धरती पर खड़ा हूँ साथ में जी, जी। मैं पूछता हूँ कि अभी भी जो केस किए थे उसी केस के माध्यम से एटीआरई बन जाएगा? हम लोगों ने हम नहीं बोल रहे हैं, ये सत्यम की आवाज नहीं है, जो कागज की आवाज है जी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच की ऑर्डर की आवाज, जो आवाज निकल रही है वो ट्रिपल बेंच की आवाज, ऑर्डर की आवाज निकल रही है। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप लोग आश्वस्त हो जाइए, तैयारी में लग जाइए। कौन पब्लिकेशन बोलना है और कौन पब्लिकेशन से तैयारी कर रहा है, तैयारी में लग जाइए। हम आपको पहले बोलते हैं और खुद को बोल दिया, आप अभी सारे भाइयों को बोलते हैं कि हम भी इस बहाली के पीछे उस तरह से पड़े हैं जिस तरह से 85 साल में 75-80 साल में जाकर मिला था अब्राहम लिंकन को, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इस बहाली में सेम वही लूप होल है, एक जगह फंसेगा, दो जगह फंसेगा, तीन जगह फंसेगा, क्यों नहीं फंसेगा भाई? गलत चीज हुआ है बिहार के बच्चों के साथ भैया, यही सब कुछ मैं आपको जानकारी जी जी सत्यम थोड़ा तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। सारा चीज सुन लीजिए, आपने ही केस किया, आपने ही उस केस का जो एडवर्टाइजमेंट है निकाला और उस एडवर्टाइजमेंट में आपने गया पैर भी करने, बीएड के तरफ से पैर भी करते करते डीएलएड के तरफ, बिहार सरकार को मैं बोल रहा हूँ, डीएलएड के तरफ से मिल गए और डीएलएड के तरफ से मिलने के बाद एडवर्टाइजमेंट थी उसी समय 661 में इसको इनवैलिड कर दिया गया था। इसको स्क्रीन पर लगा दीजिएगा थोड़ा सा हिंदी करके जी जी जी, हम बोलते हैं बता रहे हैं, लगा दीजिएगा। चलिए 661 में इसको इनवैलिड किया गया और आज जो है 2018 से लागू हुआ। तो जो इसके लिए जो जजमेंट आया था बीएड वाले और डीएलएड वाले आखिर 2018 के बाद गजट पे आया था, तो जब ये चीज अमान हो गया तो फिर बहाली किस बात की है? यही मुद्दा मैं कहना चाह रहा था कि यही सबसे बड़ा बेस है कि जिस बेस पे बहाली हुई थी वो बेस को ही सुप्रीम कोर्ट आज फिर से ध्वस्त कर दी है। 2018 कहा जा रहा था कि 2018 के बाद बीएड वाले जितने भी हैं वो योग्य नहीं है, तो लोगों ने कंफर्म कराने के लिए चला दिया हमारे पास प्रूफ है योग्य है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कंफर्म, हमारे पास प्रूफ है कि बीएड का रिजल्ट आया है, वो तो है आया है सर, आया है प्रूफ है, और मैं सुप्रीम कोर्ट 661 में दूंगा अगर गया है इस पे। और कोई प्रियंका जी का केस गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 661 का जो ऑर्डर था उसमें मैं दूंगा, और मेरे पास 50 ऐसा बच्चा है जिसका रिजल्ट बीएड का है, और आपके सामने मैं कहूँ कहिएगा, मेरे भी नॉलेज में है सब, नॉलेज में है ना, हर जिला में कम से कम 40-50 को रिजल्ट आया है, हम इसका लिस्ट तैयार कर रहे हैं, अभी है भी क्या स्कूल में भी चला गया। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप शुरू में मेरा नंबर अगर आपको देख रहा होगा मेरे चैनल पे, तो उसको आप लोग उस पर व्हाट्सएप कीजिए कि बीएड रिजल्ट कहाँ कहाँ से आया है, आप लोग भी व्हाट्सएप कीजिए, जानकारी जुटाइए कि सरकार को दिखाया जाए, रिजल्ट तो दिया है सरकार तो फिर इनवैलिड कैसे नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ विक्की जी, इसके बाद का कदम क्या होगा बच्चों को थोड़ा सा सूचना दे। चलिए सूचना के नाम पर बस यही कि डरना नहीं है, जिनको हो गया है मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। सबसे पहले बात जो जजमेंटे आई है मैं उस जजमेंट पाठक जी के लिए मैं क्या कहूँ, कुछ लोग ना खुश है कि पाठक जी क्यों हट गए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एक ईमानदार आईएएस थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हट गया, मतलब मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हम बोल देते हैं पाठक जी के बारे में एक लाइन, पाठक जी जैसा व्यक्ति देश की आजादी के बाद हम नहीं देखे थे, पाठक जी आपको दिल से सैल्यूट है, आपके जैसा ऑफिसर आज तक नहीं मिला, और बिहार सरकार में विभाग में सुधार, शिक्षा विभाग में नहीं, हम तहे दिल से कहते हैं जब से वो निकले हैं हमको आंसू आ रहा अंदर से, हम रो रहे हैं कि उन गरीब बच्चों के लिए उन्होंने दक्ष क्लास की व्यवस्था की जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती थी, जिनके पास ट्यूशन पढ़ने की ताकत नहीं थी उन गरीब बच्चों के लिए उनको पढ़ाया जाता था, उस सारा नियम को देखिएगा पाठक जी के जाने के बाद नया चेंज हो जाएगा। आखिर बिहार में उतना जनसंख्या है, एकाध दो आदमी के साथ तो प्रॉब्लम आती रहती है, अब एकाध दो आदमी को लेकर पूरा सिस्टम को चेंज कीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। आप पाठक जी दिल से सैल्यूट आपको, आपके जैसा ऑफिसर हम नहीं देखे, और आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि आप जहां भी जाइएगा अच्छा से इसी तरह, लेकिन हम चाहेंगे फिर से कि बिहार के शिक्षा विभाग में आइए, हाथ जोड़ के नमन है, आप त्याग दिए हैं उन बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए आइए। चलिए थैंक यू, जय हिंद, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि सत्यम भाई ने ये बात कही है यहाँ पे कि TRE1 जो है सुप्रीम कोर्ट से फंस गया है और पूर्ण रूप से रद्द होगी अब बहाली की प्रक्रिया, क्योंकि खुद गड़बड़ी शिक्षा विभाग ने की है। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बट गया है उनके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि बैड न्यूज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से लगातार
ये अपडेट अब सामने उभर के आ रही है कि जजमेंट ऑर्डर आया है और सत्यम भाई ने ये कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात कही थी कि जो डीएलएड का मुद्दा है, जो बीएड का मुद्दा है, ये तमाम बातें मैंने पहले ही कही थी कि ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं, बीएड बाहर होगा तो हुआ था, और इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट से अपडेट भी मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, स्टूडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।